Hi friend, I am Prakash Kumar. In this tutorial we will learn something about offset command. Offset क्यों करते हैं? Offset क्या होता है कि हमें अगर यहाँ से जैसे ये लाइन है, इस लाइन का 2-2 पे या 1-1 पे जो भी सेम डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो हम अगेन अगेन लाइन हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम offset कमांड का यूज कर सकते हैं. ठीक है, देन हमें थ्रू आउट, मतलब एक लाइन है जैसे इसको सिलेक्ट करके हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम थ्रो कर सकते हैं, एक बार सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं. इरेज है, जैसे आपका कोई सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको कॉपी करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट वहाँ से इरेज होगा या नहीं होगा, इसका यहाँ पे दिखा रहा है. एंड देन लेयर का यूज करके भी आप इसका ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हो. तो देखिए हम करते हैं कैसे. ऑफसेट कमांड एंटर करते हैं यहाँ पे कमांड बॉक्स में. ऑफसेट देखिए यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाइएगा तो ऑफसेट है, क्रिएट ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल पैरेलल लाइंस एंड पैरेलल कर्व. तो आप लाइन का कितना डिस्टेंस लेना चाहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम आपको 3 एग्जांपल देंगे, रेक्टेंगल का, लाइन का एंड सर्कल का. यहाँ पे ओ प्रेस कीजिए कमांड बॉक्स में, ओ एंटर. देखिए अभी आ रहा है आपका स्पेसिफाइड डिस्टेंस जब समथिंग, मैंने यहाँ से आपका एफेक्ट प्रेस कर लीजिए आप. ठीक है, एफेक्ट से लाइन नॉर्मल, जैसे मैंने ले लिया 0.50 का, तो 0.50 यहाँ पर दिखाइए. यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जिस लाइन से वहाँ पे ये क्रिएट हो रहा. अब यहाँ पे सिलेक्ट किया मेन लाइन, इसे यहाँ ड्रैग एंड करो डिस्टेंस. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं. कमांड कैंसिल करना है, आप एंटर कर दीजिए. कमांड दोबारा आपको रिपीट डालने की ज़रूरत नहीं है, स्पेस बार को एंटर करते ही आ जाएगा. जैसे अभी मुझे यहाँ से लाइन से लेना है समथिंग, इसको सेलेक्ट कर दिया. अब जैसे मुझे इसका लेना है 0.50 एंटर. इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को, देन ऊपर करना है या नीचे करना है, मतलब लाइन का डायरेक्शन आप जिधर चाहिए. ठीक है, अभी मुझे अबव चाहिए तो वह अबव क्लिक करूँगा, फिर इसे सेलेक्ट किया, देन अगेन. तो इस तरह से हम ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसे डाउन में भी. ऑफसेट आप यहाँ लगाना चाहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से. अब जैसे आप रेक्टेंगल में देखेंगे, रेक्टेंगल में भी हम लगा सकते हैं. वो एंटर किया. ठीक है, और सिलेक्ट इनसाइड या आउटसाइड, जैसे 0.1 का ऑफसेट कर दिया मैंने, तो 0.1 इनसाइड भी हो सकता है. तो इस तरह से ऑफसेट हम लगा सकते हैं. यहाँ पे सर्कल में भी हम लगाने के लिए यहाँ पे और कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, देन एस्केप करके फिर से अगर हमने ऑफसेट कमांड यहाँ पे दिया, या अब इस बार मैं यहाँ से ऑफसेट यूज करता हूँ. ऑफसेट लिया, देन सर्कल का कितना डिस्टेंस लिया, जैसे मैं 0.1 करता हूँ, एंटर किया, तो 0.1 पे ये सर्कल ऐसे ऑफसेट हम कर सकते हैं. ठीक है, इनसाइड भी कर सकते हैं. ठीक है, अब इससे इनसाइड नहीं हो रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी 0.1 का ले लिया डिस्टेंस, इससे कम का नहीं ले सकते. दोबारा इससे और आपको कम वैल्यू डालना पड़ेगा तो ऑफसेट आपका हो पाएगा. अभी ये देखिए अंडो का कमांड है, इससे हम फिर से उसी कमांड का मतलब बैक में जा सकते हैं. अंडो देखिए, आप इस पर क्लिक करते जाइए. ठीक है, तो आप जैसे कंट्रोल जेड का यूज करते हैं वैसे यहाँ पे ऑटो कट में आप इसे अंडो का यूज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पे ऑफसेट प्रेस किया, जैसे थ्रू है, इसमें थ्रू पे क्लिक करेंगे. अब जैसे इस लाइन का मुझे कितना लेना है, देखिए ये लाइन ये आपके साथ आ रही है, जैसे मुझे चाहिए लाइन 1 पे चाहिए, तो 1 एंटर. ठीक है, देन इसे करना है मुझे कितना, 2 पे चाहिए, तो ये लाइन ही हमारा कॉपी हो जाएगा. देखिए यहाँ पे देखिए ये थ्रू हो रहा है. आपको 3 चाहिए, 4 चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 एंटर कर दीजिए. तो इस तरह से आप कर सकते हैं. ये देखिए ये पूरा लाइन ही आपका
मूव हो जा रहा है, ठीक है, जैसे वन का चाहिए वन, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपका लाइन ही पूरी मूव हो जा रही है, 1 mm एंटर कर सकते हैं इस तरह से, थ्रू का यूज कर सकते हैं। एग्जिट से अगर प्रेस कीजिएगा तो आप कमांड से एग्जिट हो सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया एग्जिट अंडो एंड देन अभी इरेज है, तो इरेज पे क्या करेंगे, इरेज में अगर हम जाते हैं इरेज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी आपका बता रहा है जैसे आप इसको ऑफसेट कीजिएगा तो ये मेन आपका जो रिसोर्स, अगर समथिंग जैसे मैं इसको इस लाइन को करना चाहता हूँ या इंट लाइन को करना चाहता हूँ, तो ये आपका जब इसको कॉपी कीजिएगा तो इसका सोर्स, मतलब ये मेन लाइन ही कॉपी हो जाएगी या नहीं होगी, ये पूछ रहा है आपका, ठीक है। ऑफसेट इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑफसेटिंग, ठीक है। अगर आप यस कर दीजिएगा, यहाँ से लीजिएगा, जैसे आपने वन ले लिया एंटर, तो ये आपका सोर्स ही आपका यहाँ से इरेज हो जा रहा है, वो इरेज हो जा रहा है। अगर आप नो यूज कीजिएगा, यहाँ पे इरेज पे गए, नो यूज कर रहे हैं, नो पे क्लिक करते हैं आप इसे यहाँ से समथिंग जैसे वन इंसर्ट कीजिए, तो आपका ये आपका मेन रह जाएगा, ठीक है, सोर्स ऑब्जेक्ट रह जाएगा और उसका कॉपी हो जा रहा है, ठीक है। ये ऑफसेट में आपका है यस का और नो का ऑप्शन। अभी आपका लेयर का होगा, ठीक है, लेयर ऑप्शन में इसके पहले हमें लेयर क्रिएट करना पड़ेगा, लेयर यूज कमांड यूज करने के लिए, तो आप एल ए एंटर कीजिए, ठीक है। अभी मैं लेयर का एक वीडियो भी बनाऊंगा। अभी लेयर आप बेसिकली यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे न्यू लेयर है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू लेयर। मैंने लेयर अभी यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, इसका रेड कर लिया, देन ओके। लेयर बेसिकली यूज क्यों करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए। कोई भी हम जैसे मैंने दो लेयर और एक और लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें करंट है और सोर्स है, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्रिएट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं मैजेंटा का यूज कर रहा हूँ, अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपका जो लेयर क्रिएट किया है ये यहाँ पे आ गया, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री। अभी जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन है करंट लेयर का, तो आप वो एंटर कीजिए यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए आप चलिए लेयर को प्रेस एंटर कीजिए, अभी देखिए करंट, करंट में अभी आपका देखिए क्या दिखा रहा है, जैसे मैंने करंट पे रखा ग्रीन, ठीक है, तो करंट करूँगा मैं और मैं इस पर समथिंग और लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, देन यहाँ पे लगाता हूँ, लेयर पे क्लिक करता हूँ और करंट करता हूँ। और जब मैं इस पर कॉपी करूँगा इसका, जैसे मैंने वन ऑफसेट लगाया ऐसे किया यहाँ पे, तो ये मेन वाला हो रहा है, ठीक है, जब ये करंट में जो है, ठीक है। अभी आप जैसे आपने ग्रीन कर दिया, लेयर यूज कीजिए, लेयर में जाके सोर्स कर दीजिए, तो आपका जो अभी सोर्स है वही रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे आप कर दीजिए, मैं रेड कर देता हूँ, तो यहाँ से आप जैसे मैं इसे कर रहा हूँ मैजेंटा आप यूज कीजिए, अगेन वो एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पे, ठीक है, लेयर में जाइए यहाँ पे, अभी करंट लेयर यूज कीजिए, ठीक है, तो करंट में यहाँ से करता हूँ यहाँ पे, तो हमारा ये लेयर इस तरह का क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप इसका यूज करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस पूरे ट्यूटोरियल में देखा ऑटोकैड में ऑफसेट कमांड का कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।